वेलकम ऑल डियर फ्रेंड्स एंड माय थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. आई एम प्रोफेसर संदीप पाचकर. आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटेक्निक अशोकनगर श्रीरामपुर. इन थर्ड ईयर केमिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेम्स देर आर फाइव सब्जेक्ट्स इन यूर सिलेबस इन विच आई हैव टू टीच यू एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी. आवर सब्जेक्ट नेम इज एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी. This is very simple, interesting and scoring subject. So don't be afraid about this subject. So don't waste more time and just move forward about study. So in environmental technology, your first unit is ecosystem. Ecosystem having 12 marks, so very important unit and very simple. There don't have any problematic questions, just only theory. So first is ecology. What is ecology? First I have to read it. All living organism, whether plant or animal or human being, is surrounded by the environment on which it derives its need for its survival. Ecology में what is ecology? Ecology में बताया गया है कि all living organism are considered. All living organism means what is means by living? Living means they are live. Means they are means in living there are considered only plant or animals. Then they do not considers means इसमें कोई consider नहीं किया सकता किया जा सकता कि पत्थर हो या पानी हो या हवा हो. ये non living organism हो गए. आपके living organism है only plant और animals. जो plant और animals होते वो survive करते यानी क्या, उनका खाना पीना जिंदा रहना, इसको आप survive बोलते हैं. तो इसमें survive में जो भी उनको करना पड़ता है ये पूरे सिस्टम को आप कहते हैं इकोलॉजी. सो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ एग्जाम यू. सो व्हाट इज इकोलॉजी? फर्स्ट नोट डाउन द डेफिनेशन. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम को पूछी जाती है हर टाइम दो मार्क्स के लिए. तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इकोलॉजी की डेफिनेशन. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरमेंट. जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑर्गेनिज्म मींस कोई भी ह्यूमंस और एनिमल्स प्लांट, इनका ये जो है ऑर्गेनिज्म है और इनका ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर सर्वाइविंग. इसको हम कहते हैं इकोलॉजी. सो एग्जाम्पल है इकोलॉजी का. एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड डायरेक्टली बट डिपेंड ऑन द प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो इकोलॉजी का जो एग्जाम्पल है वो देखिए, एनिमल्स मीन्स कोई भी ह्यूमंस हो या कोई भी एनिमल्स, वो अपना फूड यानी अपना जो फूड है वो खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंड रहते हैं प्लांट के ऊपर. तो ये सर्वाइव करने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. ये एग्जांपल है इकोलॉजी. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के बेसिकली टू टाइप्स है. फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकंड है एक्वेटिक इकोसिस्टम. अब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो प्राणी है, जो वनस्पति है, वो जमीन पे रहते हैं, उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है पानी में रहते हैं, पानी के अंदर जिंदा रहते हैं, मछली होगी, आपका फिश होगा, कोई भी होगा,
उसको हम कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दिस इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू लैंड, जो जमीन पे रहते हैं लैंड पे रहते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एक्सेट्रा। जो सेकंड है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू वाटर, मतलब जो पानी में रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड सेकंड है रनिंग वाटर इकोसिस्टम। अब रनिंग वाटर इकोसिस्टम का भी एग्जांपल है रिवर से, स्ट्रीम से, इसको हम रनिंग वाटर कहते हैं। रिवर्स आपकी जो नदी रहती है, झरने रहते हैं, उनको हम रनिंग वाटर का इकोसिस्टम कहते हैं। उनमें से जो उनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको रनिंग वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। और जो फ्रेश वाटर आपका पॉन्ड है लेक है उसमें भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। उसका भी सब डिविजन है एक मरीन इकोसिस्टम। मरीन मीन्स सी, समुद्र। समंदर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको मरीन इकोसिस्टम करते हैं। और एक टाइप है इकोसिस्टम का, उसको कहते हैं मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज ऑपरेटेड और मेंटेन्ड बाय मैन हिमसेल्फ। अब जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम रहता है और मैन मेड इकोसिस्टम रहता है, जो मनुष्य हम उसको मेंटेन करते हैं और बनाते हैं। इसका एग्जांपल है आप जो भी खेती करते हैं क्रॉपलैंड्स, आपका गार्डन्स रहता है, ये सब आता है मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। ये टाइप्स है इकोसिस्टम के, ये सब टाइप्स भी एग्जाम को पूछे जाते हैं। तो आप ये तीन टाइप्स है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये नेचुरल इकोसिस्टम है, और थर्ड वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये तीन टाइप्स और उसके एग्जांपल आप याद कीजिए। थर्ड आपको नेक्स्ट देखना है स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। बेसिकली देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। देर आर टू कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में। फर्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड है अबायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट रहता है उसमें सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं और लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके सब जो लिविंग है, जिंदा है, जिसमें जान है, वैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। और जो नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स है इसमें आपकी एयर होगी, हवा होगी, पत्थर हो गए, पानी होगा, ये नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स है। इसमें देखेंगे आप स्क्रीन में एक बार देख लीजिए, द लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट्स में देखिए, द लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग मेंबर्स इन इकोसिस्टम कलेक्टिवली फॉर्म्स इट्स कम्युनिटी कॉल्ड बायोटिक्स, बायोटिक। इसके एग्जांपल दिया है प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट को प्रोड्यूसर बताए, एनिमल को कंज्यूमर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर। ये आप हम बाद में डिटेल देखेंगे इसका, जस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं अभी। ये हो गया बायोटिक कंपोनेंट का स्ट्रक्चर। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स का। थ्री मेन पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन किया है। फर्स्ट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स जो प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर है हमारे प्लांट्स। सेकंड है कंज्यूमर। अब वो जो प्लांट फूड बनाता है उसको कोई कंज्यूम करता है, और वो कंज्यूम करने के लिए उसके ऊपर एनिमल्स डिपेंड रहते हैं। जो एनिमल्स डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को
कंज्यूम करते हैं, उसकी जी एनर्जी है इसका यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। थर्ड वन इज है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करता है, अगर कोई एनिमल्स डेथ हो गई तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ऐसा क्लासिफिकेशन है बायोटिक कंपोनेंट्स का। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या रहता है, एक बार स्क्रीन पे देख लिए। द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कलेक्टिवली फ्रॉम कम्युनिटी कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कम्युनिटी। इसका एग्जांपल है क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, जो जिसमें जो लिविंग नहीं है, जिसमें जान नहीं है, वो सॉइल, वाटर, ये सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स।